तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह हो चुकी है और आज थोड़ा जल्दी उठे हैं क्योंकि मेरी टिकट मैंने जो कल दी थी बनने की वो आ गई है। और आज मेरी ट्रेन है पटना से और मैं जा रहा हूँ वापस पुणे, क्योंकि कॉलेज वॉलेज भी अब खुलने ही वाला है ऑलमोस्ट, तो अभी जाना है। तो मैंने दिया था तत्काल में और पहली बार पहले दिन ही हो गया है एकदम। आज तक कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है जो आज तक कभी फर्स्ट डे ही फर्स्ट पहली बार में ही हो गया है। तो अभी पैकिंग पुकिंग चल रही है क्योंकि कल थोड़ा बहुत सामान वामान भी लाना था रात वात में, तो कुछ सामान वामान ले आए। मम्मी ने भी कुछ कुछ बना दिया है थोड़ा बहुत, जो भी मैं वैसे तो मैंने मना किया था कि फ़ालतू में क्यों ही बनाना है, फालतू में इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मम्मी तो मानने वालों में से है नहीं। तो मम्मी ने भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत बना दिया है ले जाने के लिए और थोड़ा पैकिंग विकिंग चल रहा है, अभी पैकिंग हो रही है ऑलमोस्ट। मम्मी नाश्ता वाश्ता बना रही है और सामान वामान पैक हो रहा है और आज दोपहर तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पटना के लिए, क्योंकि पटना जाने में भी 5 से 6 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ से स्टेशन जाओ, स्टेशन पे फिर वहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो यही सब चल रहा है आज और मैं जा रहा हूँ अभी पुणे के लिए। तो फ़िलहाल मैं आज आपको मम्मी से भी मिलवा देता हूँ। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो? लंच तुम्हारा बना रहा है। कैसे बना? रास्ते के लिए बना रही हो? हाँ। यहाँ खाने के लिए नहीं है? यहाँ खाने के लिए। यहाँ ये क्या है? ये नारियल को प्रसादी वाला नारियल है, तो उसको ये कैसे खुलेगा? तो उसको देखे थे यूट्यूब पे कि चूल्हा पे उसको डाल के ताव लगा के खुलता है। यहाँ भुजिया भी बन रहा है, हो गया है, सब्जी बन गया है, आलू परवल का सब्जी बन गया है, आलू का भुजिया बन गया है। और पनीर का सब्जी भी बना रहे हैं। अब कोई लेके आया था मक्का का आटा। ओके। रात को पापा का कोई फ्रेंड को दिया होगा मक्का का आटा, उसको तुमको तो बहुत अच्छा लगता है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा छोटा सा रोटी बना के तुमको भी खिला देते। फटाफट बना रहे हैं, तो तुम हॉर्लिक्स पीने के लिए जाओ, फटाफट बना रहे हैं इधर। हाँ, कुछ पैकिंग वुकिंग चल रही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और मैं आपको रूम में भी दिखा देता हूँ, रूम में तो पूरा अस्त व्यस्त होकर पैकिंग चल रहा है। यहाँ मेरा हॉर्लिक्स रखा हुआ है। ये देखिए पूरा, ये मेरे ही कपड़े हैं जो टंगे पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। ये सब सामान है, ये सब मैंने अभी कुछ पैक नहीं किया है, ये सब है पूरा, ये सब सारे। यहाँ तो गेट लगे हुए हैं, ये सारे अभी पैक होंगे, बैग यहाँ रखा हुआ है। अभी मैं बस हॉर्लिक्स पी के और पैक करूँगा सामान। तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी है, पैकिंग बुकिंग चल रही है, तो अभी देखते हैं। नाश्ता वाश्ता भी बन रहा है जल्दी जल्दी में, क्योंकि काफ़ी सारा काम है और टाइम कम है। तो अभी ये सब पैकिंग बुकिंग करते हैं, हॉर्लिक्स मैं अभी पीता हूँ। हॉर्लिक्स वगैरह मैं पीता हूँ और फिर आपसे धीरे मिलता हूँ, अभी थोड़ा काम है, आराम से मिलता हूँ आपसे। तो गाइज, अब पैकिंग पुकिंग सब हो चुकी है, मैं भी नहा धो के बस रेडी हो चुका, रेडी नहीं हुआ हूँ, बस ऐसे बनियान वनियान पहन के नहा धो के अभी नाश्ता वाश्ता करूँगा, एडिटिंग होके अपलोड कर दिया है, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आज तो आपका व्लॉग, आज आप मतलब जो पिछला व्लॉग है वो तो आपको टाइम पे देखने मिल जाएगा, लेकिन ये व्लॉग आपको थोड़ा लेट, एक दो दिन लेट देखने मिलेगा, क्योंकि मैं जब पुणे पहुंच जाऊंगा उसके बाद एडिटिंग करूंगा, उसके बाद डालूंगा। टाइम यही रहेगा जो 6 बजे का टाइम है, उसी टाइम पर आ जाएगा व्लॉग। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता लग गया है, पैकिंग हो चुकी है, बाकी सब चीज़ भी हो चुका है, खाना पीना सब पैक हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लास्ट घर का खाना जो मैं खा रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या खाना बना है। मतलब खाना नाश्ता दोनों एक ही है, क्योंकि लंच टाइम हो ही गया है, तो अभी खाएंगे और ये लास्ट फूड होगा घर का, उसके बाद सीधा
ट्रेन में या उसके बाद का जो भी है। अभी दिखा देता हूँ क्या है। दही खाओ ना? नहीं। दे दी। ठीक है दे दो। ये पराठा, पनीर, आलू करी, आलू और परवल, परवल की सब्जी और दही चीनी, यह है नाश्ता। तुम खा ली? सब चीज हो गया पैकिंग पुकिंग? इधर भी बहुत सारा कुछ पैक पुक हो गया है, इसमें सारा सामान रख दिया है। इधर भी है, खाना पीना भी आज कल पैक हो जाएगा। तो मैं फटाफट नाश्ता वास्ता करता हूँ, उसके बाद फटाफट निकलना भी है क्योंकि यहाँ से बस से जाना होगा पटना, और फिर पटना से फिर स्टेशन, स्टेशन से फिर ट्रेन होगी। मैं फटाफट नाश्ता करता हूँ और जब निकलूँगा तो फिर दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्या हुआ? कह रेडी हो? फिर आ जाएंगे ना, दो ही महीना के बाद तो आएंगे फिर दिवाली में। ऐसे पूछो, आ जाएंगे ना फिर दिवाली में 2 महीने के बाद? ठीक है, रोगे नहीं ना? तो फिर हम लोग रेडी हो चुके हैं और पैकिंग पुकिंग भी हो गया है सारा, नाश्ता पानी भी सब हो चुका है, और अब फिलहाल अब हम लोग निकलेंगे। टाइम भी ऑलमोस्ट 2 बज गया है और हाई टाइम कि अब निकल जाए। तो अभी हम लोग निकलते हैं। तो ये सामान भी रेडी, एक बैग, 2 बैग और एक और बैग बढ़ गया है, ये वाला, ये वाला, तो 3 बैग टोटल हो चुका है यहाँ। और ये दोनों तो पहले से था और ये अभी बढ़ गया है। और चले जाएंगे तो फिर क्या करोगी तुम? अपना अकेले दोनों वाइफ हस्बैंड बनाना और खाना। हस्बैंड तो खाना नहीं खाते, नाश्ता एक बार खाते हैं। हाँ तो जो भी दोनों वाइफ हस्बैंड अपना बनाना और खाना, तुम खेता ना नाश्ता, मेहनत आधा कम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो अभी देखते हैं कोई रिक्शा वगैरह या ई रिक्शा वगैरह या गाड़ी वाड़ी कुछ मिलता है, कैब वैब जो भी जल्दी मिल जाएगा। फिर वो पापा देखने गए हैं नीचे, मिल जाता है फिर उसके बाद यहाँ से फिर निकल जाएंगे। तब तक यहीं ऊपर में ही वेट कर रहे हैं। हो गए निकल। तो अब हम लोग निकल गए हैं, बैग वैग भी ले लिए हैं, और एक बार थोड़ा भागा दौड़ी हो जाएगी तो एक बार बस में बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। रोना मत, अरे मत रोना। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन, और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30, और अभी मैं 5-6 घंटे की जर्नी करके पहुंचा हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, गर्मी भी यहाँ कुछ ज़्यादा ही लग रही है। अभी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ।
मॉर्निंग एवरीवन, अब मैं पहुंच चुका हूं पुणे। जी हां, पुणे पहुंच चुका हूं। दो दिन की जर्नी के बाद अभी जस्ट पहुंचा हूं पुणे, और स्टेशन के बाहर निकल रहा हूं। मेरे पीछे देख रहे हो ये पुणे स्टेशन, स्टेशन के बाहर निकल रहा हूं और अभी फ़िलहाल कैब वैब लेता हूं, कैब लेता हूं, फिर आपसे मिलता हूं एक बार रिलैक्स होके। मैं पहुंच चुका हूं फ्लैट के नीचे, और फिलहाल आप लोगों को सबसे पहली बात है, लाइट कम आ रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं, अभी अंधेरा ही है जैसा कि आप देख ही रहोगे, पूरा अंधेरा है, और मैं पहुंच चुका हूं, और फिलहाल मैं फ्लैट पे जाता हूं। अंदर तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो बहुत अस्त व्यस्त और गंदा पड़ा होगा घर धूल मिट्टी से। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ, थोड़ा साफ़ सफ़ाई करूँगा और उसके बाद फिर आराम करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर्ष सिंह ब्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।